अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक, खैर खैरियत दोस्तों? उम्मीद करे ना तुसा ठीक हो सो, मैं भी ठीक हाँ दोस्तों। मैं तो बिरा बिलाल मलंगी ते तुसा दे दे पे हो यूट्यूब चैनल मलंगी ट्रांसपोर्ट। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर गिनो, जेड़े दोस्तों नहीं कीता ते करे ने वीडियो स्टार्ट। वीडियो दे नाल रहने, वीडियो मुकम्मल देखनी है भाई जान। असा हुन घरू रवाना थी पे, मुल्तान चलते हैं। गड्डी को टैंकी लावनी है, टैंकी लवा के माल लोड करे ने, जो भी सूरत हाल उसी नाल रमने वीडियो मुकम्मल देखनी। ये गड्डी खड़ी है, ये शान साहब और ही खड़े हैं, तो इनशाला रवाना थी ने। बिलाल बलोच साहब और ही खड़े हैं। बिलाल बलोच इजाजत। ठीक, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो परेशान नहीं होना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अभी आप सोच रहे होंगे कि मलंगी उस्ताद की वीडियो के अंदर ये नई वॉइस कहाँ से आ गई। तो जो लोग जानते हैं तो ठीक है, जो नहीं जानते, मैं मोहम्मद अकबर हूँ, मलंगी उस्ताद का छोटा भाई, और मैं चैनल चलाता हूँ। मतलब चैनल का काम, एडिटिंग का काम सारा मेरा होता है। मलंगी उस्ताद वीडियो सेंड करते हैं व्हाट्सएप पर बना के मुझे। तो आज जो सुबह मलंगी भाई यहाँ से निकल चुके हैं, मुल्तान पहुँच कर उन्होंने वीडियो जो कंप्लीट करी थी तो उन्होंने मुझे सेंड किया है। तो जब वीडियो मेरे पास पहुँची है तो उसके अंदर मैंने चेक किया है कि वॉइस ओवर सही नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास मैक नहीं था। तो हमने मैक वाले मसले के लिए रात को बड़ी हिम्मत जुटा के मुश्किल से एक मैक ले लिया है, वायरलेस मैक 2000 रुपये में। हाँ, तो समझ लें वो 2000 तुम्हारे ज़ाया हो गए, क्योंकि वॉइस ओवर आपके सामने है। पहले क्लिप में ठीक आपने है, देखा दुआ और करा है दूसरे अल्लाह क्लिप खैर में भी खैरियत आप नाल देख रहे हैं कि इसका वॉइस ओवर कहीं कहीं जगह पे आया ही नहीं है, और कहीं कहीं जगह पे सही नहीं आया, बस गुजारा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो गपशप हो जाएगी दोस्तों के साथ, और वॉइस ओवर मैं कर देता हूँ इस क्लिप का। लेकिन ये आप परेशान नहीं हो ना कि ये ऐसा जारी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी फिर से हम लीड वाला मैक लेना पड़ेगा। लीड वाला ले लेंगे, कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, गुजारा चलाएंगे। बस इसके ऊपर हमने 2000 लगाए हैं, 2-4 दिन तो इसके साथ गुजारा करेंगे, जाहिर है ऐसे तो नहीं जाने देते इसको। तो ये बस एक, ये जो मैक है इस वक्त, इसकी क्वालिटी ऐसी है तोरे कि मेरे अल्लाह एक परेशान। स्टूडियो के अंदर बैठ के बंदा आराम से जो वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है, मगर इस तरह की व्लॉगिंग के लिए ये मैक सही नहीं है। हाँ अलबत्त अच्छी क्वालिटी वाला 20-25 हज़ार रुपये वाला ले लेते शायद वो ठीक होता। तो इस वक्त ये अपने गांव से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूँ, वैसे मैं तो उस वक्त से अपने प्रॉब्लम के हवाले से डिस्कस कर रहा था, ठीक है। ये चकतीन फैज़ है, और चकतीन फैज़ के बाद चकतीन मोड़ है जहाँ पे अभी इस वक्त ये पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से ये जाएंगे 5 फैज़ वाले रास्ते से, तो जो अड्डा लाड़ है वो भी हमारा अड्डा है और 5 फैज़ भी, लेकिन बड़ा जो स्टॉप है वो अड्डा लाड़ है। लेकिन मज़े की बात यह है भाई जान, कि 5 फैज़ पांच आ फैज गए अड्डे हैं। पहुंच आए से, ते हुण चलते हैं मुल्तान आले पासे। ये जी 5 फैज स्टॉप है, लाड़ आला रोड है जेड़ा ना, वो बेपणता। मज़े की बात यह है कि जो लाड़ है वो हमसे 8 किलोमीटर दूर है, और 5 फैज़ 5 किलोमीटर दूर है, हालांकि ये दोनों स्टॉप एक ही रोड के ऊपर है। इस वक्त इन्होंने टर्न कर लिया है बहावलपुर की तरफ, हालांकि ये दो रोड एक साथ पड़े हुए हैं, तो इनको दो नाम दिए गए हैं हमारे इलाके में। आगे पीछे पता नहीं है कौन क्या कहता है, तो इसे हम बहावलपुर रोड भी कहते हैं और मुल्तान रोड भी कहते हैं। तो जिस रोड पे मलंगी भाई जा रहा है इस रोड को बहावलपुर रोड कहा जाता है, और जब ये टर्न करके दूसरे रोड पर मुल्तान की तरफ रवाना हो जाएंगे तो उसको मुल्तान रोड कहते हैं। तो हमने कोई हवाला देना हो मुल्तान रोड या बहावलपुर रोड का, तो इस तरीके से बंदे को पता चल जाता है। अगर हम बहावलपुर रोड कहते हैं भाई, फलां जो दुकान है बहावलपुर रोड पर, तो उसे पता होता है कि इधर वाले रोड पर दुकान है वो। अगर मुल्तान रोड कहते हैं तो वो दूसरी साइड पर जाकर उसे ढूंढते हैं। तो ये हमारी एक निशानी के तौर पर हमने बनाया हुआ है। भाई जान, हम मुल्तान वाले पासे रवाना, ठीक है, चलते हैं मुल्तान, चल के देते हैं क्या सूरत हाल है। जी भाई जान, भाई जान आ गए लाड़ अड्डे ते, शान गए तू के तो अड़िया दिया दवाया के नियान हो गए के आंदे ते बार रवाना थे ने पैना डाल जा को जा ने मिल जा को जा ते सामान छोटा मोटा वे रखना पड़े के जा रहे, क्योंकि कहीं जा जरूरत पै बने तो इस्तेमाल करके था। जी भाई जान, शान आ गए ते हुन रवाना थे दे पे इंशाल्लाह। ए है अपना लाड़ अड्डा, हुने मुल्तान पहुंच मैंने 15 मिनट च, 15-20 मिनट लग गए से। टैंकी लवे ने टैंकी लवा के वाल कोई अगला क्या हाल देते। जी भाई जान, ऐसा आ गए बावलपुर बाईपास ते, खैर खरीयत नाल ते हुन जुलते हैं टैंकी वाले कोल ते, जरा इन्हें दिसने वाला अगली सूरत हाल को सारी। सूरत हाल आपके सामने है, क्योंकि मैक हमारा ख़राब है। जान जी सूरत हाल बयान कर रहे थे,
तो मैक हमारा ख़राब है। इस वक्त ये पहुंच चुके हैं मुल्तान खैर से, ये जो भावलपुर बाईपास है उसके अंदर से रोड जा रहा है मार्केट की तरफ। तो ये चौक पे नहीं जाएंगे, भावलपुर जो चौक है मेन बाईपास, तो अंदर से जा रहे हैं मार्केट की तरफ। ये बिल्कुल उसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे भाई आशिक की गाड़ी बन रही थी, जिसकी बॉडी कम्प्लीटली बनाई है भाई आशिक की। ठीक है उसका क्या जी भाई जाने आ गया अपनी मार्केट है जाने का पता करें ने ये तो रास्ता ही बंद की थी खड़ा ये भाई जान आ गए मुल्तान जनाब मुल्तान आ गए ते जनाब टैंकी वाली दुकान तो ते ला दी है गड्डी एक गड्डी लगी खड़ी है दुकान ते ए हुन तो आपको टैंकी लिखे ने ए टैंकी है जनाब ए आली ये टैंकी साड़ी ना ए रंग सही पई है हुन लेने इंशाल्लाह ए भाई जान रंग करें दे पेंट टैंकी को हाँ शान चलो खोल दे खोल दे जी भाई जाना है देते पे तो सा उस्ताद और सुराख मरे ने पे चलो बैरे ला देते हैं ना एंगल आ ये हुन करें दे पे सुराख काबले शाबले कसण वास्ते इंशाल्लाह मजीद तो को लिखे ने कि में काम करे ने उस्ताद और जी भाई जान जी मैं के तुसा डिठी है गड्डी बनती रहे कि ये सारी सूरत हाल तुहाडे सामने आई गड्डी बन गई है बन के घर गिन गए घर बन के गड्डी खड़ी की है ते गए जलालपुर पीर वाले गड्डी दी ट्राई मारी है चेक की है गड्डी चेक करके ते घर का कोई सामान आई शेज दा ओ चाय से ओ आन के जनाब असा लाए ते कल असा कीता आई फोन टैंकी वाले को भाई टैंकी ला के दे ते असा आंदे पे ओ आके भाई जान साडी फौत की थी गई है असा अज टाइम कह नहीं मेरे कोल लिहाजा तो सा जड़ा है ना कल हवा है अज भाई जान जो मेरा आते हुन मैं आया खड़ा गड्डी को टैंकी लवे ना टैंकी लवा के जनाब माल दा पता करे ना माल दा पता बल्कि कीती बैठा अगर टैंकी सागु 3 बजे 2 बजे 1 बजे 2 बजे टैंकी ला के दे दी कड दितो सवाल साडे कोल टाइम हो सी असा बार दा ना लोड करके सो फटी खरबूजे वाली अगर ई जनाब लेट कर दिता रात को कढ़ियो सी टैंकी लेट कर दितो सी तो वल खीरे वाले तक पता कीते मैं धनोड दे विचू कराची का किराया है 50,000 रुपया अगर इडू बारदाने वाले कोई चंगा किराया देने तो वाली थी रहा है बोसा मैं सवेरे बारदाना लोड कर गिन सा अगर बारदाने का किराया समझे ना आया तो मैं राती चलिया वैसा धनोट लोधरा वो भी वीडियो बने सा इंशाल्लाह मुकम्मल खर्चा मुकम्मल बचत मुकम्मल तफसील ई गड्डी दी मैं तुहाडे सामने रखसा इंशाल्लाह जो भी घाटा नफा है तमाम हालात दोस्तों को आगाह करे सो ट्रांसपोर्ट दे बारे क्योंकि पहले मैं जरा एक कई मसले मसलैत का शिकार हमी हुण मेरे ते कोई परेशानी नहीं मेरे को कोई मसला मसलैत कह नहीं मैं खोल के वीडियो बना सकदा खोल के गाल दोस्तों नाल कर सकदा अल्लाह ताला ने मेरे उते करम कीते और दुआ करे सो हाजी नदीम साहब दे वास्ते के उन्हें साडे उते भरोसा कीते साकु गड्डी गिन के दी है उन्हें आगे मलंगी भाई खोल के वीडियो बना खोल के हिसाब कर बचत दस खर्चे दस जो मर्जी आवे दोस्तों अपने को बिराव को अपने वीडियो देखने वाले को दस तेरे उते कोई पाबंदी कह नहीं तू ही गड्डी का मालिक है तो भाई जान इन कोई शक नहीं मालिक आए अस गड्डी तुसा दुआ करे सो अल्लाह ताला साकू कामयाबी दे सी ईशान साहब और मेरे नाल चलते पे हूँ अल्लाह ताला शान को भी कामयाबी देवे हाजी नदीम साहब को भी कामयाबी देवे तुहाडे बिरा बिलाल मलंगी को भी अल्लाह ताला कामयाबी देवे तुहाडे दुआवां दे सदके और मैं भी दुआ करे ना अपने तमाम वीडियो देखने वाले को अल्लाह करे इवें तुसा साडे नाल अटैच रहो जुड़े रहो और जितने मेरे दोस्त परदेस दे विच बैठे तमाम परदेसियां वास्ते ता दिल तो मैं दुआ करे ना कि अल्लाह ताला तुहाको अपनी हिफ्ज़ अमान रखे और अपने वतन दे उते वापस गिन के आवे और वतन दे उते रोजी देवे आमीन ते भाई जान होने में अच्छा अच्छा वीडियो दे नाल हाजिर थींदे रासूं दुआ करे सो रही जिंदगी तक कल वाली वीडियो तक हुण तुसां दे सा को इजाजत बल मिलसूं अल्लाह हाफिज़।